बच्चों, मैं आज फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। और आप सभी बच्चे जानते हो कि हम लोगों ने 2 to 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन हमारा चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है बेटा, हमारे इकोलॉजी में पहला चैप्टर आता है बेटा ये। तो इसके अंदर हम लोगों ने कल, मैंने आपको मिमिक्री और कॉम्यूफ्लाज बताया था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि मिमिक्री और कॉम्यूफ्लाज में क्या डिफरेंस है। फिर मैंने आपको बताया था एक फिश होती है जिसको हम पॉर्क्यूपाइन फिश बोलते हैं। पॉर्क्यूपाइन फिश जो होती है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बेटा कांटे होते हैं और स्पाइक्स होते हैं, तो होती वो साइज में छोटी है। तो जब उसको अटैक करने के लिए उसके ऊपर कोई प्रीडेटर फिश आती है तो एकदम करके वो अपने अंदर हवा भर लेती है, और जब उस फिश के अंदर हवा भरती है तो बिल्कुल गोल बॉल बन जाती है और प्रीडेटर उस गोल बॉल को देख के डर के भाग जाता है। ये हुई मिमिक्री। मिमिक्री मतलब एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज की नकल करने लग जाए अपने आप को बचाने के लिए। और कॉम्यूफ्लाज में मैंने आपको बताया था, कैमिलियन का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे एक कैमिलियन जब पत्ते के ऊपर होता है, लीफ के ऊपर होता है, तो हरे रंग का दिखता है, और जब वो पहुंच जाता है हमारा इसके ऊपर किसी वुडी एरिया में पहुंच जाता है, जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रांच के ऊपर पहुंच जाता है, जो ब्राउन कलर की ब्रांच होती है, तो वो थोड़ी ही देर में ब्राउन कलर का दिखने लग जाता है। तो वो एनवायरमेंट के साथ अपने आप को चेंज करता है। तो जब एनवायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज करे, उसकी कॉपी करे, वो कहलाता है कॉम्यूफ्लाज। और जब ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी स्पीशीज की, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज की कॉपी करे, वो कहलाती है मिमिक्री। ठीक है। सो, आज मेरा पहला क्वेश्चन है, बड़ा लंबा और अच्छा क्वेश्चन। पहला, छोटी छोटी चीजें हैं। पॉपुलेशन क्या होती है बेटा? पॉपुलेशन होता है ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर एरिया और स्पेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जब हम किसी सिंगल इंडिविजुअल को, सिमिलर इंडिविजुअल्स को जब हम एक ग्रुप में इकट्ठा करने लग जाएं और उनकी गिनती करें, जिसको सेंसस बोलते हैं, उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। फिर बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है? ग्रुपिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट एनिमल। जब हम प्लांट एनिमल सबको इकट्ठे ग्रुप करने लग जाएं जो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, चाहे वो पानी के ऊपर रहे, पानी में रहते हो, चाहे वो लैंड के ऊपर रहते हैं जिसको टेरेस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, और जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इस पूरे कंपटीशन को हम बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी। इकोसिस्टम क्या होता है? ये पार्ट का, नेचर का पार्ट होता है बेटा, जिसके अंदर बायोलॉजिकल कम्युनिटी और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और मटेरियल का एक्सचेंज होता है और एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर आ गया बायोम। बायोम ये एक लार्जर रीजन है बेटा, जिसको हम कैरेक्टराइज करते हैं मेजर वेजिटेशन से, और ये फौना के साथ एसोसिएटेड होता है। फौना मतलब ओशन, रेन और फॉरेस्ट। ठीक है। तो जब बड़े लार्ज रीजन को जब हम स्टडी करें उसको हम बोलते हैं बायोम। फिर आ गया बेटा बायोस्फेयर। फिर बायोलॉजिकली इनहैबिटेड पार्ट ऑफ द अर्थ, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, उस एरिया को बायोस्फीयर बोलते हैं। मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, चाहे वो प्लांट लाइफ हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ हो, वो पॉसिबल है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। और इसको जायंट इकोसिस्टम भी बोलते हैं। जायंट इकोसिस्टम बड़ा, तीन भागों में डिवाइडेड है ये। हाइड्रोस्फीयर मतलब इकोसिस्टम ऑफ वाटर, एटमोस्फेयर इकोसिस्टम ऑफ एयर, लिथोस्फेयर इकोसिस्टम ऑफ ग्राउंड। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, ये तो जी एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है, मतलब आ ही जाता है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। आइए पढ़ें। तो वेदर जो होता है बेटा, ये टेम्परेरी चेंज है एटमॉस्फेयर में, जैसे एकदम से बारिश हो गई, एकदम से बड़ी धूप पड़ गई, तो ये टेम्परेरी चेंज। क्लाइमेट चेंज होता है जो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होती है एटमॉस्फेयर की। जैसे अगर आप हिमाचल प्रदेश का क्लाइमेट देखोगे, आप एकदम बोल दोगे जी कोल्ड क्लाइमेट है। इसी तरह अगर आप देख लोगे क्लाइमेट राजस्थान का, डेजर्टेड एरिया का, आपको कहोगे जी बड़ा ड्राई क्लाइमेट है, तो वहां पे ड्राई वेदर नहीं आप वर्ड यूज करोगे,
वेदर शॉर्ट टर्म है और वो चेंज होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन को चेंज होने में टाइम लगता है। तो देखिए, वेदर शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी एटमोसफेयर की और क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी एटमोसफेयर की। वेदर चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस, क्लाइमेट सेम रहता है पूरे लार्ज एरिया में, यानी वो एरिया कहाँ पे प्रेजेंट है उस वो डिपेंड करता है कि उसका क्लाइमेट कितनी देर तक सेम ही रहेगा। अच्छा, टाइम टू टाइम वेदर में चेंज होता रहता है, क्लाइमेट में बहुत समय लगता है अगर चेंज होना है तो, अदरवाइज वो चेंज नहीं होता। अगला पॉइंट है, वेदर चेंज होता है चेंजिंग एटमॉस्फेयर के साथ, जिसमें अलग अलग फैक्टर्स और कंडीशन भी अप्लाई होती हैं, जबकि जो क्लाइमेट होता है वो सरकमस्टांसिस के साथ कभी भी चेंज नहीं होता और वो एज इट इज रहता है। तो आपने इस पूरे जो क्वेश्चन में क्या सीखा, आपने इसमें ये सीखा कि वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है एटमॉस्फेयर की, और क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी एटमॉस्फेयर की। वेदर प्लेस टू प्लेस चेंज होता है और क्लाइमेट कभी भी प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, वो एक बड़े से एरिया में सेम रहता है। और उसके बाद वेदर एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स और कंडीशंस के साथ चेंज हो जाता है, जबकि क्लाइमेट नहीं होता चेंज। फिर अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हैबिटेट और निच में डिफरेंस। ये बेटा स्पेसिफिक प्लेस होता है और लोकेलिटी होती है जहाँ कम्युनिटी रहती है, और निच क्या होती है, ये इकोलॉजिकल कंपोनेंट होती है हैबिटेट की। यानी आप कह सकते हो कि एक या चार हैबिटेट्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के मिलके बनाती हैं निच, ठीक है। और हैबिटेट, सॉरी, निच तो होता है शॉर्ट फॉर्म और हैबिटेट बड़ा होता है। ढेर सारी निच बन के बनाती हैं हैबिटेट, तो लिखा हैबिटेट में, हैबिटेट के पास ढेर सारी निचेज होती हैं, जबकि निच के पास कोई फर्दर कंपोनेंट्स नहीं होते, क्योंकि ये सबसे छोटी फॉर्म होती है, बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है ये हैबिटेट की। फिर हैबिटेट में ढेर सारी नंबर ऑफ स्पीशीज मिलेंगी, निच में आपको एक ही स्पीशीज मिलेगी। अगर मैं आपसे निच की बात करूं फ्रॉग की, तो वो आपको पॉन्ड जो होगा वो उसकी निच होगी। और अगर मैं आपसे बात करूं फिश की, फ्रॉग की, फिर मैं आपसे बात करूं क्रोकोडाइल की, वो सारे आ जाएंगे हैबिटेट में। तो अलग अलग निचेस मिलके बनाती हैं हैबिटेट, ठीक है। तो हैबिटेट में नंबर ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स भी देखने को मिलते हैं, हैबिटेट में नंबर ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स भी मिलते हैं, जबकि निच में स्पेसिफिक सेट ऑफ एनवायरमेंट होती है। अब आगे हमारे पास बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक और, लाइट का इफेक्ट बताओ ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट पे। सो बेटा, लाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डिस्ट्रीब्यूशन में, ये अलग अलग तरह के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को अफेक्ट करती है प्लांट के। एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट डालती है, ट्रांसपिरेशन मूवमेंट पे इफेक्ट डालती है, फ्लावरिंग और सीड जर्मिनेशन में भी मदद करती है। कई फ्लावर होते हैं वो तभी ओपन होते हैं जब उनके ऊपर लाइट पड़े, ठीक है, और कई फ्लावर तभी ओपन होते हैं जब उनका टेम्परेचर लो हो, जिसको मैंने आपको वर्नलाइजेशन भी बताया था, सेम बट सीड जर्मिनेशन के साथ ही है। सो अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो पहला पार्ट है जी हेलोफाइट्स, ये सन लविंग प्लांट होते हैं, इनको हाई लाइट चाहिए होती है, एग्जाम्पल सनफ्लावर। फिर है बेटा सीओफाइट्स, ये शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, ये पुअर लाइट में भी ग्रो कर जाते हैं, इनका एग्जाम्पल है टेक्सस। फिर फैक्यूलेटिव, फैक्यूलेटिव में आ जाते हैं सीओफाइट्स यानी शेड लविंग प्लांट्स, जो सनलाइट कंडीशंस में अच्छा ग्रो करते हैं पर वो शेडी एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं। तो वो प्लांट जो शेडी एरिया में भी ग्रो कर जाए, सनलाइट में भी ग्रो कर जाए, उनको फैक्यूलेटिव बोलते हैं। फिर फैक्यूलेटिव हेलोफाइट्स, वो प्लांट जो बेस्ट शेडी एरिया में ग्रो करते हैं पर वो शेडी कंडीशन लाइट कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं। फिर फैक्यूलेटिंग वेलीफाइट्स, आपने आपको दोबारा भी दिया हुआ है, सम प्लांट्स विच ग्रो बेस्ट इन शेडी बट कैन ग्रो फेयरली वेल इन सनी कंडीशन, तो हम इसको काट देते हैं।
तो बेटा चार टाइप ही हुई। सो एक हुआ हमारे पास हेलोफाइट्स, सन लविंग, लाइट लविंग, सियोफाइट जो डार्क में ग्रो कर जाते हैं शेड में, फैकल्टेटिव जो सनलाइट में अच्छे से ग्रो करते हैं बट शेड में भी ग्रो कर जाएंगे, और फैकल्टेटिव हेलियोफाइट्स जो बेस्ट ग्रो करते हैं शेड में बट वेल ग्रो करेंगे सन में। सो बच्चों ये मेरा आज का लेक्चर था, होप आपको समझ आ गया होगा। तो इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। सो आज के क्वेश्चंस में हमने वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस देखा, हैबिटेट और निच में देखा कि ढेर सारी निच मिलके हैबिटेट बनाती हैं, और क्लाइमेट जो होती है वो होती है लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होती है एटमोसफेयर की, और जो वेदर होती है शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी होती है। फिर आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट के ऊपर अलग अलग प्लांट करवाए, हेलियोफाइट्स करवाए मैंने आपको वो प्लांट जो लाइट में ग्रो करते हैं, सियोफाइट्स जो शेड में ग्रो करते हैं, फैकल्टेटिव ये जो होते हैं जी बेस्ट सन कंडीशन में ग्रो करते हैं पर शेड में भी सर्वाइव कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और हेलियोफाइट्स फैकल्टेटिव होते हैं जो बेस्ट ग्रो करते हैं शेड में पर फेयरली सनी कंडीशन में भी रिजल्ट दे देते हैं। सो बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन भी हम करते रहेंगे। तो आज इतना ही, अच्छे से आज का काम उतारना। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड।